दोस्तों टेक दुनिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के कुछ लेटेस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पल पल के खबरों से रहना चाहते हो अपडेट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए टेक दुनिया में। दोस्तों आज के लिए स्टार्ट करते हैं स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े अपडेट से। जापान की स्पेस एजेंसी ने एक एस्ट्रॉयड पे दो रोबोट्स को सक्सेसफुली लैंड करके इतिहास रच दिया है। इन दोनों रोबोट्स की लैंडिंग बहुत ही स्मूथ हुई है। इसका मतलब है कि जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं इन रोबोट्स के, वो बिल्कुल ही सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और इन दोनों रोबोट्स ने एस्ट्रॉयड के सर्फेस से डेटाज और इमेजेस भेजना स्टार्ट भी कर दिया है। दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी का ऐसा मानना है कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस एस्ट्रॉयड के सरफेस से मिल सकती है। जिस एस्ट्रॉयड पे इन दोनों रोबोट को लैंड किया गया है, उस एस्ट्रॉयड की टोटल विड्थ है 1 किलोमीटर। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इन एस्ट्रॉयड के सरफेस पे पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होंगे। और अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट को इस धरती के ओरिजिन के बारे में, मतलब ये धरती कैसे बनी, उसके साथ साथ समुद्र की ओरिजिन और इस धरती पे लाइफ ऑरिजिनेट कैसे हुआ, मतलब जीवन की उत्पत्ति इस अर्थ पे हुई कैसे, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इन जानकारी के मदद से हम चांद या फिर मंगल ग्रह को ह्यूमंस के रहने लायक बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। दोस्तों इतने बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों बात करते हैं भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने मोबाइल फोन ऑपरेटर्स जो भी अभी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के प्रोसेसेस में तेजी लाने को कहा है। अभी जितने भी मोबाइल फोन ऑपरेटर्स हैं उनको अगर एक सर्किल के अंदर ही मोबाइल नंबर पोर्ट करना है तो उसकी जितनी भी प्रोसेस है उसको मैक्सिमम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने को कहा गया है। अभी अगर भारत में आपको एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करना होता है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 19 दिन का वेट करना पड़ता है, लेकिन अब ये 19 दिन घटके हो गए मात्र 2 दिन, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। दोस्तों इसके साथ ही अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर किसी भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट को 2 दिन के अंदर प्रोसेस नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना चार्ज किया जाएगा। और अगर कोई मोबाइल फोन ऑपरेटर बिना किसी वैलिड रीजन के किसी पोर्टिंग रिक्वेस्ट को कैंसिल करता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अपने देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की अच्छी सर्विसेज देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके कंट्री में ज्यादा स्टेट्स हैं तो आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग नंबर ना रखना पड़े। इससे बचने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की अच्छी सुविधा होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो अगला अपडेट है भारत में 5G के लॉन्च होने से रिलेटेड। दोस्तों भारत में 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए BSNL ने जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक और एंटिटी कम्युनिकेशन से डील साइन किया है। और इसके अंतर्गत ये दोनों जापानीज कंपनी भारत में 5G को सिस्टम डेवलप करने में BSNL की मदद करेंगे। दोस्तों BSNL के प्रेजेंट टाइम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि भारत में जितने भी बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ ही 5G सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी। आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि भारत में 3G सर्विसेज को लॉन्च करने में 7 महीने की देरी हुई थी, अगर कंपेयर करें उसको बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से। तो अगर वहीं 4G की बात करूं तो 4G के लॉन्चिंग में 4 साल की देरी हुई थी, लेकिन 5G के केस में जैसे ही 2020 में ग्लोबल रेगुलेशंस गाइडलाइंस लॉन्च होते हैं उसके साथ ही भारत में 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो 5G के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इंटरनेट यूज करने के तरीके को 5G बदलने वाला है। आप क्या सोचते हो 5G के बारे में, बताना जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों बात करते हैं ओला के नए फीचर की, जिसके मदद से अब आप ओला के साथ ज्यादा सुरक्षित जर्नी कर पाओगे। दोस्तों ओला कैब्स ने अपने पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एक नया रियल टाइम राइड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है ओला गार्जियन। ओला गार्जियन अभी टेस्टिंग फेज में है, इसीलिए इसे बेंगलुरु, मुंबई और पुणे, इन्हीं 3 शहरों में भी लॉन्च किया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के अंत तक इसे पूरे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों ओला गार्जियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड एक टूल है, जो कि आपको आपके राइड के दौरान मॉनिटर करेगा। अगर आपके कैब ने कहीं पे अनएक्सपेक्टेड रूट चेंज किया है या फिर कहीं पे अनएक्सपेक्टेडली रुकता है आपका कैब, और ऐसे ही अगर कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका कैब शो करता है, तो ओला गार्जियन टूल उसी को मॉनिटर करेगा, उसको ट्रैक करेगा और वो डेटा सेंड कर देगा ओला की सेफ्टी रिस्पॉन्स टीम को। सेफ्टी रिस्पॉन्स टीम अगर उन डेटाज की मदद से उनको लगता है उस सेफ्टी रिस्पॉन्स टीम को कि कोई खतरा है, तो वो पैसेंजर से कॉन्टेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों पास्ट में ओला कैब्स में स्पेशली फीमेल पैसेंजर्स के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और इसी को देखते हुए ओला ने ये सेफ्टी मेजर उठाया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है।
दोस्तों बात करते हैं सैमसंग के पहले क्वाड रियर कैमरा सेटअप वाले फोन की, मतलब ऐसा फोन जिसमें आपको पीछे की ओर मिलने वाला है टोटल चार कैमरा। दोस्तों कल ही सैमसंग ने इंडियन मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी A7 का 2018 वेरिएंट लॉन्च किया था, और सैमसंग गैलेक्सी A7 की जो बेसिक फीचर थी वो था इसका कैमरा, क्योंकि पहली बार आपको सैमसंग के किसी स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाला फोन देखने को मिला था। दोस्तों अब जो खबरें आई हैं और कुछ पिक्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक सैमसंग बहुत ही जल्द एक नया फोन लॉन्च करने वाला है जिसमें कि आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा सेटअप। मतलब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 11 अक्टूबर को साउथ कोरियन मार्केट में सैमसंग अपने लेटेस्ट गैलेक्सी ए सीरीज के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A9 स्टार प्रो लॉन्च करने वाला है, और इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस फोन में आपको मिलने वाला है 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ये रन करेगा एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे। इसमें जो प्रोसेसर है वो है बजट रेंज का स्नैपड्रैगन 660। अब अगर इसके बेसिक हाईलाइट की बात करें जो कि इसका कैमरा है, क्योंकि इसमें आपको पीछे की ओर मिलेगा टोटल चार कैमरा, जिसमें कि जो पहला कैमरा होगा वो होगा 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, दूसरा कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, तीसरा होगा 10 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, और चौथा कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर। दोस्तों इस तरह की पहली यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक किसी भी फोन में चार कैमरा सेटअप इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। दोस्तों देखते हैं ये फोन जब इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। दोस्तों आज के लिए जो लास्ट अपडेट है वो है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से रिलेटेड। फ्लिपकार्ट ने अपने बिग बिलियन डे सेल की 5वें एडिशन की डेट अनाउंस कर दी है। इस बार फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर से, और 14 अक्टूबर तक आप सेल का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों इस सेल में जो सबसे फायदा होने वाला है वो होने वाला है फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर्स को। फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर्स के लिए जो सेल स्टार्ट होंगे, जो डील स्टार्ट होंगे, वो नॉर्मल कस्टमर से 3 घंटे पहले स्टार्ट होंगे। मतलब नॉर्मल कस्टमर्स के लिए अगर सेल स्टार्ट होता है 12 बजे से, तो फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर्स के लिए सेल स्टार्ट होगा 9 बजे से। मतलब उनके पास अपनी मनपसंद चीजें खरीदने का ज्यादा मौका होगा। तो अभी तक अगर आपने फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप जल्दी से मेंबरशिप ले लो, और इस बार के बिग बिलियन डे सेल को एक अलग ही अंदाज में आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आप अपने पसंद की चीजें बाकी दुनिया से पहले खरीद सकते हो। दोस्तों ये थे आज के लिए कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट्स जो कि आपको जानने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर मेरे चैनल रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।